शुद्धं पणमिया जिनिंदवरणे मे चंदमकलंकं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं ओच्चं। नेमिचंद्र आचार्य विरचित यह जीवकांड नामक ग्रंथ है। इसमें 20 प्ररूपणाओं का वर्णन किया है। 11 प्ररूपणाओं का वर्णन हो चुका है। पहले गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और मार्गणा में पहली 6 मार्गणाएं, गति, इंद्रिय, काय, वेद, योग, वेद और कषाय, इनकी प्ररूपणा हो गई है। अब यहाँ ज्ञान मार्गणा का प्रारंभ होता है। ज्ञान मार्गणा सभी मार्गणाओं की अपेक्षा से विस्तृत कही गई है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कौन है? ज्ञान है। ज्ञान है तो 20 प्ररूपणा को समझेंगे, ज्ञान ही नहीं तो 20 प्ररूपणा कौन समझेगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। तो इसका 166 गाथाओं में इसका वर्णन किया है। अब पहले यहाँ पर ज्ञान का स्वरूप बताते, उसके पहले टीकाकार ने मंगलाचरण किया है। 12वां अधिकार है, इसलिए 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य को नमस्कार किया है। वासवे पूज्य पादाब्जं समवश्रुति संस्कृतं द्वादशं तीर्थकर्तारं वासुपूज्यं जिनं स्तुवे। वासवैहि पूज्य पादाब्जं समवश्रुति संस्कृतं। वासव मतलब देव, स्वर्ग के देव, उनके द्वारा जिनके चरण कमल, अब्ज मतलब कमल होता है पानी में उत्पन्न होने वाला, जिनके चरण कमल पूज्य है और जो कैसे है समवश्रुति संस्कृतम, समव शरण से सुशोभित है, सुसंस्कृत है, ऐसे 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य जिनको, जिनकी मैं स्तुति करता हूँ, स्तुवे, अहम स्तुवे। इस प्रकार 12वें तीर्थंकर का स्मरण करके मंगलाचरण किया है। अब यहाँ नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ज्ञान मार्गणा का प्रारंभ करते हुए पहले निरुक्ति पूर्वक ज्ञान का सामान्य लक्षण बताते हैं। 299 नंबर का आता है। इति काल विषय दव गुणे पज्जेय बहुभेदे पच्चकं च परोखं अनेन नानेतिनं बेन्ति। मने जानता है, अनेन जानई इति ज्ञानम, निरुक्ति ऐसी करना, इसके द्वारा जाना जाता है, मतलब जो जानने का कार्य करता है वह ज्ञान है। किसको जानता है? त्रिकाल विषय, त्रिकाल विषयों को, मतलब जो भूतकाल में हो गया, वर्तमान में हो रहा है या आगे भविष्य काल में होने वाला है, ऐसे तीनों काल विषयक द्रव्य गुण पज्जे, द्रव्य गुण और पर्यायों को, कैसे है वे दुन द्रव्य गुण पर्याय बहु भेदे, जिनके बहुत भेद है, मतलब ज्ञान में ऐसे सामर्थ्य है, जगत में जितने द्रव्य है वे अनेक प्रकार के, जैसे जाति के अपेक्षा से 6 बताए, धर्म, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, तो ये 6 प्रकार के द्रव्यों को, और फिर उनके जो उत्तर भेद होंगे जीव के, फिर संसारी मुक्त, पुद्गल के, फिर स्कंद, अणु वगैरह, और इस प्रकार इन सभी को, और गुण मतलब अनेक प्रकार के गुणों को, जीव के ज्ञान दर्शन, चारित्र इत्यादि गुण, पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्णादि इत्यादि गुण, धर्म द्रव्य के गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व। एक उदाहरण बता, अनंत गुणों के भेद भी कितने हैं? अनंत है। सामान्य गुण भी अनंत है, विशेष गुण भी अनंत है। उन सबको जानने की सामर्थ्य ज्ञान में है, ज्ञान इन सबको जानता है। और पर्याय भी कितनी है? बहु भेदे, अनेक प्रकार की है, पर्याय के भी अनेक भेद किए हैं, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय, द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय, ये सब पर्याय के, और पर्याय भी एक एक गुण की हर समय एक एक पर्याय, तो कितनी पर्याय होते हैं हर एक गुण की? एक समय में एक जीव के अनंत गुणों की अनंत पर्याय होती है। तो उन सभी को जानने की ताकत, सामर्थ्य किसमें है? ज्ञान में है।
तो ज्ञान सबसे बड़ा है इस दुनिया में, बड़ा 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 देखते जाओ कौन बड़ा है सबसे। तो जिसको हम बड़ा कह रहे हैं उसको जानने वाला कौन है, ज्ञान है, तो ज्ञान बड़ा होगा ना सबसे बड़ा, तो सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। और वो ऐसा ज्ञान गुण अपने में है इसलिए हम सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। इसलिए कहा कि अनेन कैसा जानता है ज्ञान, पच्चकम परोक्षम, दो प्रकार से जानता है, एक प्रत्यक्ष माने स्पष्ट विशद और परोक्ष मतलब अस्पष्ट अविशद, मतलब जो मति श्रुतादिक सौक्ष्मिक ज्ञान है वह परोक्ष ज्ञान है, अवधि मन परे केवल ज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान है, वे स्पष्ट जानते हैं। तो ज्ञान में दोनों प्रकार की जानने की सामर्थ्य है। तो इस प्रकार यह ज्ञान है ऐसा कौन कहते हैं, नम बेंती, नम ने इदम ब्रुवंती, केवली भगवान इस प्रकार इस ज्ञान को कहते हैं, कहते हैं। सबका कर्ता अर्थकर्ता कौन है, तीर्थंकर केवली है। तो यह ज्ञान का स्वरूप क्या है, स्वार्थ व्यवसायात्मकम जीव गुणम, ज्ञान टीकाकर ने नीचे दिया है, स्वार्थ व्यवसायात्मकम जीव गुणम ब्रुवंती, मतलब स्व मतलब स्वयं का निर्णय और अर्थ मतलब विषयों का निर्णय, पर पदार्थों का निर्णय, पर पदार्थ में अपना आत्मा भी है। तो स्वार्थ स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम, ऐसा परीक्षा मुख सूत्र में बताया है। मतलब ऐसा एक ज्ञान गुण ही है जो अपने को भी जानता है और पर को भी जानता है। ज्ञान ज्ञान का भी निर्णय करता है और ज्ञान पर का भी निर्णय करता है। पर मतलब ज्ञान को छोड़ करके मैं घट को जानता हूँ, तो ज्ञान ने किसको जाना, अपने को भी जाना, किस कौन जान रहा है, ज्ञान जान रहा है, और किसको जाना, घट को जाना, तो घट भी विषय हो गया। ऐसे स्व और पर को विषय करने की सामर्थ्य भी ज्ञान में ही है, अन्य किसी गुण में नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग सब अपने ज्ञान व्यवस्थित होने पर है, ज्ञान को व्यवस्थित करो सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, और ज्ञान अव्यवस्थित है तो आगे की सब बिल्डिंग व्यवस्थित नहीं होगी। ज्ञान व्यवस्थित है तो श्रद्धा व्यवस्थित होगी, चारित्र व्यवस्थित होगा, आनंद भी व्यवस्थित होगा, और ज्ञान नहीं है तो ना दर्शन है, ना चारित्र है, ना आनंद है, कुछ नहीं है। इसलिए ज्ञान को पहले अच्छी तरह से समझना चाहिए। जिसके द्वारा हम जान रहे हैं उसका ही हमें निर्णय नहीं है, ज्ञान के द्वारा अन्य सब पदार्थों को जान रहे कि ज्ञान का ही निर्णय हमें व्यवस्थित नहीं हो रहा है, कि जो जानने का साधन है और साधन के ऊपर ही सब साध्य निर्भर है, साधन ही सही नहीं होगा तो साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए इस ज्ञान का आचरण यह सविस्तर वर्णन किया है। अब इस ज्ञान के भेद अगली गाथा में बताते हैं, 300 नंबर की गाथा है। पंचेव होन्ति पाणा पंचेव होन्ति नाणा मदिसुदो हि मणंच केवलयम् खय्यौव समीवा चौरो केवलणानं हवे खय्यम्। नाना पंचेव होन्ति, ज्ञान पांच ही है, वास्तविक ज्ञान एक ही है, लेकिन जब उसके विषयों की अपेक्षा से या आवरण भेदों की अपेक्षा से भेद करते हैं तो उसके पांच भेद होते हैं। तो उसमें उसके नाम बताए, मति श्रुत ओही मतलब अवधि मन पर्य और केवलयम माने केवल ज्ञान। ये चौरो खय व समिया, ये चार ज्ञान जो है वो क्षौपशमिक ज्ञान है, इनका स्वरूप तब आगे विस्तार से बताने वाले हैं, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान केवल ज्ञान का। इसमें केवल यहाँ भेदों के नाम बताएं और वे कैसे हैं, चौरो खय व समिया, मति श्रुत अवधि मन परे ज्ञान क्षौपशमिक है, मतलब ये देशघाती प्रकृति है चारों भी, मतलब मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण अवधि ज्ञानावरण और मन परे ज्ञानावरण, ये देशघाती प्रकृति है। इसमें दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक एक ही प्रकृति में। अपने देखा था ना, लता दारू अस्थि शैल, लता और दारू रूप भी इसमें स्पर्धक है, दारू के एक भाग और दारू का बहुभाग अस्थि और शैल, ये सर्वघाती स्पर्धक है। तो यहाँ जहाँ पर ये देशघाती और सर्वघाती स्पर्धक दोनों पाए जाएंगे वहीं पर क्षोभशम घटित हो सकता है, उसके बिना क्षोभशम नहीं होता है। तो इन चारों में दोनों प्रकार के स्पर्धक हैं, तो वहाँ जो सर्वघाती स्पर्धक है मति ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का
उदयाभावी क्षय, मतलब उसके वर्तमान में वो सर्वघाती स्पर्धक थे, सभी दोनों के एक निश एक में दोनों प्रकार के स्पर्धक है ना, देशघाती और सर्वघाती। तो उसमें जो सर्वघाती स्पर्धक होंगे, जितने देश सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय होगा उतना ज्ञान व्यक्त होगा। सर्वघाती स्पर्धक सब नहीं हटेंगे, मति ज्ञानावरण का जितना ज्ञान अपने को हो रहा है अभी जीव कांड का, ये ज्ञान का अपने को ज्ञान हो रहा है, तो उतने ज्ञानावरण कर्म का क्या हो रहा है, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय हो रहा है। उस पर आवरण करने वाले जो कर्म है उनका, और उनके ही भविष्य काल में उदय में आने वाले जो सर्वघाती स्पर्धक है उनका सदवस्था रूप उपशम है, क्योंकि वो उदीर्ण होकर के पहले उदय में न आए, इसलिए उसका क्या कहा, सदवस्था रूप उपशम। और देशघाती स्पर्धकों का उदय है इसलिए वहाँ पर पूरा ज्ञान नहीं हो रहा है, उतना आवरण है। तो क्षोभशम की ये व्याख्या है, तो ये चारों में घटित होती है। श्रुत ज्ञान आवरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय अभावी क्षय, उसी का सदवस्था रूप उपशम, उसी का, ऐसा कहते हैं ना वहाँ पर, ये समझना कि जिसका क्षय उसी का उपशम ऐसा नहीं लगाना। जो वर्तमान काल में उदय में आने वाले आ रहे हैं, मतलब आने वाले थे, उनका क्या हो गया, क्षय हो गया, और भविष्य में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धक है उन्हीं का अर्थ सर्वघाती स्पर्धकों का ही उपशम हुआ, और सदेशघाती स्पर्धकों का उदय हुआ। और वीरसेन आचार्य धवला में इसकी व्याख्या तो इतनी सीधी करते हैं कि जिसका उदय रहते हुए भी गुण व्यक्त रहता है उसको क्षौपशमिक कहना, उनकी ये व्याख्या है। तो कोई भी व्याख्या ले लो, उसमें कोई भेद नहीं है। हाँ, उदय का अभाव हो गया, एक क्षय है। तो इस प्रकार चार ज्ञान क्षौपशमिक, और केवल ज्ञान जो है पूर्णता ज्ञानावरण के क्षय से ही उत्पन्न हो, केवल ज्ञानावरण का भी क्षय और उसके साथ चारों ज्ञानावरण का क्षय होता है तब केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसलिए केवल ज्ञान कैसा है, क्षायिक ज्ञान है। तो केवल ज्ञान ही आत्मा का स्वभाव है वास्तव में। अभी संसार अवस्था में भी केवल ज्ञान रूप परिणमने की शक्ति है जीव में, लेकिन वो शक्ति क्या हो गई है, अभी केवल ज्ञानावरण के कारण रोकी गई है। इसलिए उस प्रतिबंधक कर्मों का क्षय हुआ कि उसकी व्यक्ति अभिव्यक्ति हो जाती है। इसलिए व्यक्ति अपेक्षा से केवल ज्ञान को कार्य कहा है, स्वभाव अपेक्षा तो वह सदैव विद्यमान है, इसलिए उसको क्षायिक कहा है। तो ये पांच ज्ञानावरण के ज्ञान के भेद बताए। अब इसी में ज्ञान मार्गणा के भेद कितने करते हैं, आठ भेद करते हैं, तो उसमें और तीन भेद जोड़ना है। तो कौन कौन से है वो बता रहे हैं आगे, मिथ्या ज्ञान की उत्पत्ति के कारण और उसके स्वरूप और स्वामी भेदों को बताते हैं। सन्नाणतियम कुमिच्छान उदये नवर विभंगम ज्ञानम पंचिंद्रिय सन्निपुण्येव। नानतियम होदी, सन्नानतियम मच्छ अनुदय अन्नानतियम होदी, ये जो सम्यक तीन सम्यक ज्ञान है, पहले पांच ज्ञान बताए वो सम्यक ज्ञान ही लेना, उसमें से पहले तीन सम्यक ज्ञान मति श्रुत और अवधि, ये ही मिच्छ अनुदय मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के उदय में, केवल मिथ्यात्व के उदय में नहीं कहा, नहीं तो दूसरे गुणस्थान में घटित नहीं होगा, इसलिए अनंतानुबंधी का उदय रहते हुए भी अज्ञान है। इसलिए मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के उदय में ये ही तीन सम्यक ज्ञान अन्नानतियम होते, तीन अज्ञान रूप होते हैं, तो इनको भी क्षौपशमिक कहा है। तो इनमें ज्ञान अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं लेना, मिथ्या ज्ञान लेना, विपरीत ज्ञान लेना, क्योंकि ज्ञान तो है, जान तो रहा है, लेकिन जैसा है वैसा नहीं जान रहा है, उसके स्वरूप के विषयों के स्वरूप के बारे में उसे अज्ञान है, मतलब ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको अज्ञान कहा है। ने दो प्रकार के अज्ञान है, एक औदयिक अज्ञान और शौभशमिक अज्ञान। जो मतिश्रुत अवधि ज्ञानावरण ये तीन मिथ्या ज्ञान कहे अज्ञान कहे वे क्षौपशमिक की अपेक्षा से लगाना, और औदयिक अज्ञान एक ही है, जब तक ज्ञानावरण का उदय है तब तक पूरा ज्ञान व्यक्त नहीं होता है, तो वहाँ पर ज्ञान का अभाव है, जितना ज्ञान है उसको छोड़ करके अन्य संबंधित ज्ञान नहीं है, तो औदयिक अज्ञान भाव है। तो दुख का कारण कौन है, औदयिक अज्ञान है कि क्षौपशमिक अज्ञान, तो क्षौपशमिक अज्ञान दुख का कारण है। क्यों उल्टा मानना, वही बहुत ज्ञान है आपको, कुछ ज्ञान नहीं हो तो चलता है, थोड़ा ज्ञान मोक्ष मार्ग में कार्य कर रहा है, लेकिन वो सम्यक होना चाहिए,
लेकिन बहुत ज्ञान है और सब मिथ्या है तो दुख ही दुख है। आज जिसने दार्शनिक वगैरह है, इतनी खोज वगैरह करते हैं, लेकिन सुखी है क्या देखना हो, उनका जीवन कैसा है, सब दुखमय ही है, क्योंकि क्षौपशमिक अज्ञान सुख का कारण नहीं है, दुख का कारण है। तो इसलिए कहा कि ये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, इनके उदय में जो तीन सम्यक ज्ञान है वे ही तीन अज्ञान है। उसमें से जो विभंग ज्ञान को अवधि को ही विभंग ज्ञान कहते हैं, विभंग इसका नाम रखा है, विभंग अवधि ऐसा नहीं बोलना, विभंग ज्ञान को ही को अवधि कहना। वि मने विशिष्ट अवधि ज्ञान का, जहाँ भंग मने विपर्य हो गया है उसको कहते हैं विभंग। मतलब तो ये विभंग ज्ञान जो है वो किसको होगा, केवल पंचेंद्रिय सौधनी पर्याप्त को ही होता है। तो यहाँ पर इसका नियम दिया, इसका अर्थ बाकी के दो ज्ञान सभी संसारी जीवों के होते हैं, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक कुमत्यर कुश्रुत मिथ्या दृष्टर सासादन गुणस्थानवर्ती जीव को कुमत्यर कुश्रुत होते हैं, लेकिन विभंग ज्ञान जो होगा वह केवल सौधी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव को ही होगा, अन्य एकेंद्रादिक जीवों में नहीं पाया जाता है, असौधनी को नहीं होगा और अपर्याप्त को भी नहीं होगा। इसलिए पर्याप्त भव देवानी नरक में भी जो विभंग भव प्रत्यय का है ना, तो वहाँ पर भव के पीछे एक विशेषण लगाया जाता है कि पर्याप्त भव जिसका कारण है, वहाँ पर भी अपर्याप्त अवस्था में विभंग ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वहाँ ये शब्द लगाया जाता है कि पर्याप्त भव जिसका कारण है वो भव निमित्तक अवधि ज्ञान है अनंतानुबंधी के उदय में। अब ये अज्ञान तीन हो गए, सम्यक ज्ञान तीन हो गए, अब इनका तीसरे गुण स्थान में फिर सम्यक ज्ञान है कि अज्ञान है, ऐसा प्रश्न होगा ना। पहले दूसरे गुण स्थान में तो अज्ञान है, फिर चौथे से लेकर आगे ज्ञान है, फिर तीसरे में क्या क्या होगा, ज्ञान है कि अज्ञान है, तो वहाँ पर मिश्र ज्ञान है ये बता रहे हैं। 302 नंबर गाता है, मिसुदये सम्मिसम अन्नानतेन नानतियमेव संजम विशेष सये मणपज्जवनान मुद्दिठम। उदय मिश्र प्रकृति के उदय में, दर्शन मोने की जो सम्यक मिथ्यात्व नामक मिश्र प्रकृति है उसके उदय में अन्नानतेन नानतियम एव सम्मिश्रम, तीन अज्ञान के साथ तीन सम्यक ज्ञान का मिश्रण होता है, इसलिए वहाँ पर मिश्र ज्ञान कहा है। मिश्र प्लस सम्यक मिथ्या ऐसा मति ज्ञान है, सम्यक मिथ्या श्रुत ज्ञान है, सम्यक मिथ्या अवधि ज्ञान है, मतलब उस ज्ञान को सम्यक भी नहीं कह सकते और मिथ्या भी नहीं कह सकते हैं, उसमें कुछ सम्यक का मिला हुआ है, कुछ अंश मिथ्यात्व का मिला हुआ है, ऐसा मिश्र, जैसे श्रद्धा मिश्र है ऐसे ज्ञान भी वहाँ मिश्र, जैसा ज्ञान वैसे श्रद्धा, यदि ज्ञान सम्यक है तो श्रद्धा भी सम्यक हो जाती है और ज्ञान मिथ्या है तो श्रद्धा भी मिथ्या हो जाती है, इसलिए ज्ञान के अनुसार श्रद्धा और चारित्र होता है। हाँ, तो वह जब तक श्रद्धा मतलब वह ज्ञान यथार्थ ज्ञान होकर के श्रद्धा को नहीं पैदा करता है तब तक उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा है, इस अपेक्षा से जब श्रद्धा हुई तो उस ज्ञान को सम्यकपना आया, लेकिन जब तक ज्ञान सम्यक नहीं होगा तब तक श्रद्धा भी सम्यक नहीं होगी। हमारा ज्ञान ही बिगड़ा हुआ है, ज्ञान को व्यवस्थित करो तो श्रद्धा व्यवस्थित होती है, लेकिन जब तक शाब्दिक ज्ञान रहेगा, भाव भाषण नहीं होगा, तब तक वह श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है। और भाव भाषण स्वरूप संवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जब हम अपने आत्मा को जानते हैं तो वह सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति हुई और वहीं पर सम्यक श्रद्धा की एक साथ उत्पत्ति है, दोनों की आगे पीछे नहीं है, लेकिन श्रद्धा होने के लिए ज्ञान चाहिए और ज्ञान का सम्यकपन आने के लिए श्रद्धा चाहिए, इसलिए दोनों प्रकार का कथन आगम में किया गया है। तो कहा कि अन्नानतेन नानतियमेव संजम विशेष सहिये मनपज्जवनान मुद्दिठम, ये तीन ज्ञान का स्वरूप तो ये बताया कि, लेकिन मनपर्य ज्ञान मतलब अवधि ज्ञान भी चारों गतियों में होता है, देशावधि ज्ञान और विभंग ज्ञान तो सभी जगह है ही,
मनपर्य ज्ञान किनको होता है वो बता रहे हैं यहाँ पर, संयम विशेष सही है, जो संयम विशेष से सहित है, सामान्य संयम से भी सहित ऐसा नहीं कहा, नहीं तो फिर सभी जितने भी संयमी बनते उन सबको मनपर्य ज्ञान की उत्पत्ति होनी चाहिए, लेकिन विशिष्ट संयम ऐसा कहा है, मतलब जहाँ पर संयम की विशुद्धि है, कोई रुद्धि आदि प्राप्त है तो ही उनको मनपर्य ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो विशेष संयम सहित ऐसे जीव में ही मनपर्य ज्ञान कहा गया है। देह संयत आदि गुण स्थानों में इसका निषेध अपने आप हो गया, क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार का आप कितना भी चौथे पांचवें गुण स्थान में रह करके तप करो तो भी वहाँ इतनी परिणामों की विशुद्धि हो नहीं पाएगी और वहाँ मनपर्य ज्ञान की भी उत्पत्ति नहीं है। संयमी मुनियों को ही मनपर्य ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अब इस प्रकार ये भेदों का वर्णन करके अब एक एक भेदों का आगे वर्णन करते हैं। पहले तीन मिथ्या ज्ञानों का वर्णन एक एक गाथा के द्वारा कुमति ज्ञान बताते हैं। 303 नंबर गाथा है। विसजंत कूड़ पंजर बंधा दिसु उइन व एस करणेन जा खलु पौवट्टई मई मई अन्ना ने तिनम वेन्ती। ज्ञान कहो कुमति कहो एक ही है। विष जंत कूड़ पंजर बंधा दिसु विना उवेश करने न, विष मतलब जो मारने में और बंधन में कारणभूत ऐसे जो विष यंत्र इत्यादि है उन्हें उनमें परोपदेश के बिना ही, मतलब किसी परोपदेश हुए बिना ही स्वयं उसमें मति प्रवृत्त होती है, उसको मति अज्ञान ऐसा कहा है। ऐसे कौन कौन से साधन लिए, विष मतलब जो विष खाने से मर जाता है जीव, तो उस विष बनाने में हमारे मति बुद्धि मतलब बुद्धि तो बहुत है, अब उसको भी बनाने के लिए बिना बुद्धि के नहीं बना सकता है ना, लेकिन वहाँ प्रवृत्त हुई बुद्धि जो होगी वो कौन सी होगी, वो कुमति होगी, कि विष बनाने में प्रवृत्त होती है, या यंत्र बनाने में जीवों को व्याघ्र इत्यादि क्रूर पशुओं को पकड़ने के लिए इस प्रकार का यंत्र बनाया जाता है, जहाँ पर अंदर बकरी रखी जाती है, बकरा क्या बोलते हैं, बकरा ही बोलते हैं ना, हाँ तो वो रखा जाता है तो उसको यंत्र कहते हैं। फिर का कूट मतलब जो मछली कछुआ या उन क्या बोल रहे मूषक मूषक को क्या बोलते चूहा चूहा आदि पकड़ने के लिए जो ऐसी पेटी बनाई जाती है लकड़ी की, उसको कूट कहा, सापड़ा सापड़ा बोलते हैं मराठी में। पंजर तो जो पक्षियों को पकड़ने के लिए उसको बांधने के लिए पिंजरा किया जाता है वह पंजर, या हरिन इत्यादि को भी विशिष्ट रस्सी में गाँट डाल करके ऐसा जाल बनाया जाता है, उसको भी पंजर कहते हैं। और बंधा दिसु हाथी और ऊंट इत्यादि को पकड़ने के लिए गड्ढा खोदा जाता है तो उसको बंध कहा। तो इत्यादि में जो मति प्रवृत्ति उसको बनाना व उस साधनों को बनाना उसका व्यापार करना या अन्य सब ऐसे करने के लिए रचना करना, इसमें जो बुद्धि मतलब जो भी अपने पाप और हिंसा के साधन है उनको बनाने में प्रवृत्ति होना, अभी बहुत सारे कुछ नए नए साधन निकले हुए हैं तो उनमें जो बुद्धि प्रवृत्त होती है सब मति अज्ञान है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। एक उपलक्षणात्मक बताए ऐसे सभी पाप साधनों को में प्रवृत्त होने वाली जो बुद्धि वह सब कुमति है। अभी सब वो एग्रीकल्चर में पढ़ने के लिए भी छोटे छोटे जो होते हैं ना पतंग वगैरह उनको पकड़ते हैं, ऐसा एक उनके पास पंखा रहता है उसको लेकर के ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। अब कुश्रुत ज्ञान का वर्णन करते हैं आगे। पक्षी को है ना ऐसा ये बनाया जाता है और उसमें हाँ जाए तो उसके पंख चिपक जाएंगे और फिर उनको पकड़ लेते हैं, ऐसे वो तोता इत्यादि को भी पकड़ने के लिए करते हैं ना, वहाँ पर कुछ वो पाइप को लगाया जाता है, मिर्ची वगैरह लगाते हैं, फिर वो ऐसा उसका उदाहरण आता है डंडा, नलिनी लटकायो अपनी सुधी भूल आप दुख पायो,
जो शुको न बचाल विसरे नलिनी लटकाय, मतलब उसको पकड़ने का वो साधन है। एक स्थूल रूप से ली है यहाँ पर, जो जो मिथ्यात्व के उदय से, मिथ्यात्व के उदय सहित ज्ञान है वो सब कुमति ज्ञान है, लेकिन यहाँ पर व्यवहार की अपेक्षा से बाहर से देखेंगे तो ये खोटी बुद्धि, उसको कुमति कहा यहाँ पर। मतलब जो जब तक हमारा मिथ्यात्व नहीं गया तब तक जितना भी है वो सब अज्ञान की कोटि में जाएगा। जैसे चरणानु की भाषा में जैसे इसका कहा जाता है ना, पाप किसको कहना, मतलब जो अव्रता दिखे उसे असत्य चोरी कुशील, उसी को पाप कहा जाता है। लेकिन निश्चय नहीं कि अपेक्षा से देखेंगे तब तक मिथ्यात्व है, तब तक अनुव्रत महाव्रत आदि भी धारण करो तो वो सही नहीं है। उसी प्रकार जब तक सम्यक ज्ञान न हो तब तक जो भी ज्ञान है आपको, शास्त्र का भी ज्ञान है, तो वो भी मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। हाँ, स्थूल रूप से बताया है। अब आगे कुश्रुत ज्ञान कहते हैं। आभियमासुरखम बारह रामायणादि उवयेसा तुच्छा साहनीया सुय अन्नाने तिनं बेंती। कि जो वहाँ पर बिना उपदेश के क्यों दिया था, मति ज्ञान के लिए था, क्योंकि उपदेश को सुनकर के जो ज्ञान होता है वो श्रुत ज्ञान की कोटि में जाएगा, इसलिए वह बिना उपदेश के अपने आप जो प्रवृत्ति होती है वो मति ज्ञान है। और यहाँ जो उपदेश है किसके उपदेश, आभियम, तो चारों ओर से जो घबराए हुए रहते हैं ऐसे कौन होते हैं, चोर। कोई चोर नहीं है तो बोलता है ना, मैं चोरी नहीं की तो मुझे क्या डर। लेकिन चोर का तो हमेशा डर रहता है कि कोई आकर के मुझे पकड़ लेगा, इसलिए आभित का अर्थ चोर करना। आसुरख, आसु मतलब प्राण, उसकी रक्षा करने वाले, मतलब कोतवाल इत्यादि, कोतवाली बोलते ना हिंदी में, कोतवाल आदि, उनका शास्त्र। या बारह रामायण आदि, ज्या अन्य जो काल्पनिक भारत है, तो हमारे इसमें भी आचार्यों ने महापुराण की, उत्तर पुराण की, आदि पुराण की रचना की है, लेकिन उसको जो है कुशास्त्र नहीं कहेंगे। जो भारत पांच पति के एक महिला जो है द्रौपदी, एक द्रौपदी ने पांच पांडवों को वरण किया था, ऐसा जो उपदेश है वे सब, ऐसा भारत लेना महाभारत। और रामायण मतलब जो हिंदुओं ने बनाए हुए रामायण है, मतलब जिसमें सीता का हरण करने के बाद राम रावण के साथ और वानरों के साथ युद्ध हुआ, राक्षसों के साथ युद्ध हुआ, ऐसा जो कहा है ऐसे रामायण लेना। इनके जो आदि से सभी जितने भी मिथ्या शास्त्र एकांतवादी ने रचित शास्त्र है, उन सब के उपदेश जो है वे कैसे है, तुच्छा असाहनीया सुय अन्नाने तिनंबेंती। वे कैसे है, तुच्छ है, ले परमार्थ से रहित है, उसमें कुछ भी तथ्य नहीं है बिल्कुल भी। अब देखो कुछ ऐसी बातें अपन देखते तो वो मतलब बिल्कुल भी व्यवहार योग्य नहीं है, मतलब कभी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते, मतलब वानरों का और उसका युद्ध कैसे हो सकता है मनुष्यों का। और कैसे है, असाहनीय, असाधनीय है, मतलब सत्पुरुषों के द्वारा आदर करने योग्य नहीं है, अनादरणीय है। इस प्रकार कुश्रुत का वर्णन किया। अब आगे कुमति कुअवधि ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बताया है कि एकांतवादियों का अध्ययन किस लिए करना है, कि उनको समझने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए, मतलब उसमें परीक्षा करने के लिए, मतलब परीक्षा करने के लिए तो वो क्या बता रहे वो भी समझ में आना चाहिए ना। तो बिना श्रद्धा के केवल समझने के लिए उनका पढ़ते हैं तो वो कुश्रुत नहीं है, क्योंकि ऐसा अपने इसमें भी आता है ना कि अकलंक आचार्य अधिक जो है, पहले वे बौद्ध वगैरह वहाँ पर भी अपने ज्ञान करने के लिए गए और आचार्यों ने इतना सविस्तर उनका खंडन किया है, तो बिना उनके ज्ञान के उसका खंडन कैसे कर सकते हैं। इसलिए उनको जो उन्होंने जो बताया है तत्व, वो क्या कैसे बताया है ये समझने के लिए पढ़ते हैं और फिर उसका निराकरण भी करते हैं।
तो केवल पढ़ने से मिथ्या ज्ञान नहीं होता है, श्रद्धापूर्वक पढ़ने से या वह सही है ऐसा समझकर पढ़ने से वहाँ पर मिथ्या ज्ञान का प्रसंग आता है। तो इसलिए यहाँ पर एकांतवाद जो है उनके बताए हुए शास्त्र जो है उसको आगमाभ्यास कहा, आगमाभास कहा, और उससे उत्पन्न होने वाला श्रुत ज्ञान है वो भी कुश्रुत ज्ञान है ऐसा कहा, क्योंकि उसमें दृष्ट और इष्ट विरुद्धार्थत्वात्, भगवान की जब परीक्षा की तब कहा ना कि भगवान आप सत्य कहते हैं, आप निर्दोष है, वीतराग है, क्यों? क्योंकि आपका जो वचन है वो युक्ति और शास्त्र से अविरोधी है, प्रत्यक्ष और युक्तियों से अविरोधी है, इसलिए आपने आपके द्वारा बताया गया तत्व सही है और आप निर्दोष है। और अन्य सब इसकी विवक्षा जब अपन करते परीक्षा करते हैं तो वे सत्य की कोटि पर उतरते नहीं है, युक्ति से सही भाषित नहीं होते, प्रत्यक्ष से भी उसमें विरोध आता है और अनुमान से भी उसमें विरोध आता है युक्ति से। विवरीय मोहिनानं खव समयं च कम बीजं च वे भंगोत्ति पौच्चै सम्मत्तनानीन समयं मे। विवरीयम ओहिनानम, विपरीत अवधिज्ञान, अवधिज्ञान तो है लेकिन कैसा है, विपरीत है। वह खो समयम, वह कैसा है, क्षौपशमिक है। कम्म बीजम च, क्षौपशमिक है पहले भी बताया था, और कर्म का बीज है। कर्म का बीज है ऐसा क्यों बताया, क्योंकि अवधिज्ञान जो है वह अवधिज्ञान के द्वारा सब पता चलता है। तो नरक में जब अवधिज्ञान की उत्पत्ति होती है वहाँ पर विभंग ज्ञान की, तो क्या करते हैं परस्पर सब उनको समझ में आता है कि मेरा इसने ऐसा किया था पूर्व भव में, ये मेरा वैरी है। हाँ, विभंग विभंग ज्ञान से। हाँ, वो जीव उनके पास में ही होता है ना, लेकिन वो जीव जो है उनके पास में ही होता है, वो क्षेत्र पास का ही होगा है ना। फिर उसके पूर्व भव को जानेंगे तो वहाँ पर पूर्व भव तो जाना जा सकता है ना, पीछे के आगे के भव तो जान सकते हैं, इसलिए वो विषय हो सकता है। अब वो पूर्व भव और आगे का भव कहीं पर भी हो, लेकिन जिसको विषय बनाया जा रहा है वो उनके क्षेत्र में की मर्यादा में ही है। तो मिथ्यात्वादी वो कैसे है, वह विभंग अवधि, वहाँ पर नरक गति में और देव गति में भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है, और यहाँ पर तीव्र काय क्लेश मतलब मनुष्य और तिरंचों में भी विभंग ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। किस कारण उत्पन्न होगा, तो काय क्लेश बोध किया, द्रव्य संयम का पालन किया, उसके निमित्त से भी उतनी विशुद्धि हो जाती है और वह विभंग ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो देव नारकी आदियों में भी होती है, तो वह मिथ्यात्वादी कर्म बंध का बीज है। और च शब्द रखा है कम्म बीजम च, उस च शब्द से क्या लेना है, धम्म बीजम, कम्म बीज और धर्म का भी बीज है। उस विभंग ज्ञान का सही उपयोग करें तो उसके द्वारा सम्यक ज्ञान की भी उत्पत्ति हो सकती है, कि वो जानता है कि मुझे इतनी तीव्र वेदना पीड़ा क्यों हो रही है, क्यों इतना दुख हो रहा है। तो यदि वह अवधि ज्ञान के द्वारा जानेगा तो मैंने पहले भव में इस प्रकार के पाप किए हैं, कुधर्म का सेवन किया है, मिथ्या शास्त्रों का अध्ययन किया है, इस कारण से मुझे यहाँ पर नरक में आना पड़ा, ऐसा उसको अवधि ज्ञान के को विभंग ज्ञान के द्वारा समझ में आएगा। तो उसमें से क्या हो जाता है, उसको देशना की देशना याद आती है और वहाँ पर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है। इसलिए सम्यक दर्शन और ज्ञान रूप धर्म का बीज है विभंग अवधि, विभंग ज्ञान। इस प्रकार ये बताया समय में, समय मतलब केवल ज्ञानियों के शास्त्र में स्यादवाद मत में इस प्रकार विभंग ज्ञान का स्वरूप बताया है। नहीं नहीं, नरक में यदि यहाँ पर हम किसी जीव को बहुत संबोधन करते हैं तो भी वो सुधरता नहीं, कोई व्यसनी है, कोई ऐसा पापी जीव है, उसको अपन उपदेश करते हैं लेकिन वो ग्रहण नहीं करता है। यहाँ पर मतलब ग्रहण तो करता है लेकिन उस पर श्रद्धा नहीं करता है और बदलता नहीं है। तो वह जीव यदि नरक में गए जाए वहाँ पर, तो नरक में जाने के बाद फिर उसको
बहुत पीड़ा होने लगती है, तो पीड़ा होती है तो वो याद करता है कि मुझे यहाँ पर इतनी पीड़ा क्यों हो रही, क्यों मैं यहाँ पर आ गया। तो उसको समझ में आता है कि पूर्व भूमि में मैंने ये पाप किए हैं, ये व्यसन किए हैं। तो फिर वो समझता है कि उस समय मुझे देशना दी थी लेकिन मैंने ग्रहण नहीं किया, उसको धारण नहीं किया और समय दर्शन की प्राप्ति नहीं की, लेकिन उस देशना को याद करके अब वो समझता है कि यदि इस व्यसनों से इतनी पीड़ा होती है तो मुझे अब ये से नहीं करना है, समय दर्शन की प्राप्ति करना है। ऐसा करके वो समय दर्शन का पुरुषार्थ करता है तो वहीं पर उसको समय दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है। मतलब पापी है और उसको नहीं हो ऐसा नहीं है, पापी जीव को भी अंजन चोर यहाँ पर इसी भाव में इतने पाप किए और फिर वह सुधर गया कि नहीं सुधर गया, ऐसे बहुत सारे जीवों के अपने आता है कि व्यसनी होकर के भी पापी होकर के भी वे सुधर सकते हैं। समाप्त मतलब केवल ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान, समाप्त ज्ञानियों में मतलब केवल ज्ञानियों में, केवल ज्ञानियों के शास्त्र में ऐसा बताया है। समाप्त का अर्थ परिपूर्ण लेना, हाँ बर बर चांद। आगे 306 नंबर की गाथा है। अब यहाँ पर नौ गाथाओं के द्वारा मति ज्ञान का स्वरूप, मति ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके उत्पत्ति का कारण क्या है, मति ज्ञान के भेद और उनके विषयों का आश्रय करके वर्णन करते हैं। नौ गाथाएं हैं, 306 से लेकर के 314 गाथा तक, फिर 315 गाथा से श्रुत ज्ञान का प्रकरण चालू होगा। अहि मोह नियमय बोहण माबिणी बोह्य मणिंदींदियजम अवगहई हावाया धारण गाहोन्ति पत्तेयम। का नाम है आबिनी बोधिक ज्ञान। धवला में जहाँ पर भी मति ज्ञान का उल्लेख आया है वो आबिनी बोधिक ज्ञान से ही आया है, इसको मति ज्ञान बाद में ही प्रचलित हुआ है। तो इस अपेक्षा से यहाँ पर आबिनी बोधिक ज्ञान को लेकर के उसकी व्याख्या कर रहे हैं। आबिनी बोधिक में दो शब्द हैं, अभि नि और बोधिक। तो अभि का अर्थ है अभिमुख और अभिमुख का अर्थ क्या है, स्थूल वर्तमान और योग्य देश में स्थित। मति ज्ञान जो है किसको ग्रहण करता है, स्थूल मतलब जो इंद्रिय गोचर पदार्थ है, यही पर सूक्ष्म पदार्थ है उनको अवधि मति ज्ञान विषय नहीं बना सकता है, जो स्थूल है और वर्तमान में होने चाहिए, भूतकाल को या भविष्य काल को मति ज्ञान विषय नहीं बना सकता है, इसलिए वर्तमान होने चाहिए और योग्य देश में अवस्थित। जैसे जिस इंद्रियों का जो देश बताया है, जो टापू बताया ना नियमित क्षेत्र, उसके भीतर हो तो ही वो ग्रहण हो सकता है, इंद्रियों की मर्यादा के बाहर हो। इंद्रियों का विषय अब सब आया था पहले जीवकांड के इसमें, हाँ इंद्रिय मार्गणा में हर एक इंद्रियों का कितना विषय है, कर्ण इंद्रिय का 12 योजन वगैरह से तो जान सकता है उतने योग्य देश में अवस्थित हो, ऐसे अर्थ मतलब पदार्थ को अभिमुख का अर्थ हो गया। और नियमीय मतलब इस इंद्रिय का यही विषय है ऐसा जो अवधारित निर्धारित किया गया पदार्थ उसको कहेंगे नियमित। स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा स्पर्श को, रसन इंद्रिय के द्वारा रस नियमित है, घ्राण इंद्रिय के द्वारा घ्राण मतलब गंध नियमित है। इस प्रकार अभिमुख और नियमित ऐसे पदार्थ का जो बोधन मतलब ज्ञान उसको कहते हैं आभिनि बोधिक, ये उसका स्वरूप बताया। और उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, अनिंदी इंद्रियजम, अनिंद्रिय मतलब मन जो इंद्रियों के समान नहीं है इसलिए उसको अनिंद्रिय कहते, किंचित इंद्रिय है, इंद्रियों के समान नियमित पदार्थ को विषय नहीं करते हैं और सूक्ष्म भी है इसलिए उसको अनिंद्रिय कहते हैं। और इंद्रिय मतलब पांच इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, इन इंद्रियों से उत्पन्न हुआ ज्ञान वह मति ज्ञान है। मतलब उसकी उत्पत्ति का कारण इंद्रिय और मन है, बाह्य निमित्त लेना, अंतरंग निमित्त तो ज्ञान ही, ज्ञान के द्वारा ही ज्ञान होता है लेकिन बाह्य निमित्त की अपेक्षा से चर्चा है। और कहे के उसके मति ज्ञान के भेद भी बताते हैं, अवगह ईहा अवाय धारणगा। प्रत्येक के मतलब पांच इंद्र और मन के द्वारा जो जो ज्ञान होता है वह चार प्रकार का है,
अवग्रह ईहा अवाय और धारणा इसका भी वर्णन अब आगे आने वाला है, वहीं पर अपन देखेंगे क्योंकि इसका आगे इसमें ही उन्होंने ये दिया है। तो यहाँ पर कितने भेद हो गए, मति ज्ञान के 24 भेद हो गए। 5 इंद्र मन के द्वारा अवग्रह अवाय धारणा, जैसे अपन वो प्रमाद के भंग करते हैं ना, ऐसे यहाँ पर भी भंग करना उसके एक एक इंद्रियों को 6 के साथ 4 लगाना। स्पर्शेन्द्रिय अवग्रह ईहा अवाय धारणा, रसनेन्द्रिय अवग्रह ईहा अवाय धारणा, इसके सब उदाहरण वगैरह आगे देंगे क्योंकि उसका आगे बता रहे हैं। अब यहाँ पर 7 नंबर गाता है, व्यंजन अर्थ अवग्रह भेदाहु हवन्ति पत्त पत्तथे कमसो ते वावरिदा परमं नहि चक्खु मनसाणम। पत्त पत्तथे व्यंजन अर्थ अवग्रह भेदा हवन्ति, प्राप्त पदार्थ में व्यंजनावग्रह होता है और अप्राप्त पदार्थ में अर्थावग्रह होता है। मतलब प्राप्त पदार्थ मतलब स्पर्श करके, टच करके जो जाना जाता है उसको कहेंगे प्राप्त पदार्थ। जैसे स्पर्शेन्द्रिय के द्वारा अपन टच करके जानते हैं कि ये गर्म है, ये ठंडा है वगैरह। रसनेन्द्रिय पर जीभ पर अपन पदार्थ रख करके जानते हैं कि यह मीठा है, कड़वा है या जैसा है वैसा। और घ्राणेन्द्रियों को यहाँ टच करके जानते हैं कि ये गंध, सुगंध है, दुर्गंध है वगैरह। तो ये प्राप्त पदार्थों को ग्रहण करना हुआ। तो इस प्राप्त पदार्थ को ग्रहण करते समय पहले वह पदार्थ कैसा होता है, अव्यक्त होता है, तो उसको व्यंजनावग्रह कहते हैं। और अप्राप्त पदार्थ मतलब जैसे दूरवर्ती है, वहाँ पर कुछ रखा हुआ है गर्म और यहाँ हमें उष्णता का उसका ज्ञान हो रहा है, या दूर से स्मेल आ रही है, गंध आ रही है, तो हमें टच किए बिना भी कैसा होता है, गंध का ज्ञान होता है। तो अप्राप्त पदार्थों को जानना, जो 4 इंद्रिय है वो प्राप्त अप्राप्त दोनों पदार्थों को ग्रहण करती है, स्पर्शन रसन घ्राण और कर्णेन्द्रिय। और जो चक्षु और मन है वे केवल अप्राप्त अर्थ को ही ग्रहण करती है। प्राप्त जैसे अब यहाँ चश्मे को हम देख रहे हैं क्या, चश्मा पास में है ना, चश्मा दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। या ऐसे आँख पर ये उंगलियाँ रखी तो इस उंगली को नहीं देख सकते हैं, तो प्राप्त टच हो करके नहीं जानते हैं, या मन के वहाँ टच हुए पदार्थों को मन नहीं जान रहा है। तो चक्षु और मन के द्वारा प्राप्त पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए चक्षु और मन के द्वारा परमम नहीं, मतलब पहला मतलब व्यंजनावग्रह नहीं होता है। व्यंजनावग्रह 4 इंद्रियों के द्वारा ही होगा, स्पर्शेन्द्रिय रसनेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय और कर्णेन्द्रिय। और अप्राप्त अर्थ का सभी अर्थावग्रह सभी का होगा, प्राप्त और अप्राप्त का। वहाँ पर जब अपन तत्वार सूत्र में देखते हैं ना, इसकी व्याख्या क्या की है, जो अव्यक्त पदार्थों को ग्रहण करता है वह अव्यक्त ग्रहण करता है वह व्यंजनावग्रह, और व्यक्त ग्रहण है उसको अर्थावग्रह का है। और यह प्राप्त अर्थ को ग्रहण करना व्यंजनावग्रह और अप्राप्त अर्थ को ग्रहण करना अर्थावग्रह ऐसा कहा, तो इसमें विरोध दिखाई देता है। या टीका में प्रश्न भी किया है आगे उन्होंने कि ऐसा विरोध है तो कैसे इसका ये करना, क्योंकि दोनों आगम ही है। तो आचार्य ने दोनों का मेल बिठाया है कि वहाँ व्यंजन शब्द के 2 अर्थ है, व्यंजन धातु है वी प्लस अंज धातु, तो उसके 3 अर्थ बताए हैं कि मृक्षण व्यज्यते मृक्षते प्राप्यते। एक व्यंजन का अर्थ है व्यक्ति अभिव्यक्ति, और जहाँ पर विगता अंजन मतलब जिसमें से व्यक्त निकल गया है उसको कहना अव्यक्त। मतलब एक व्यंजन शब्द का अर्थ क्या हुआ, अव्यक्त अर्थ हुआ। और दूसरा अर्थ किया है व्यंजन का कि जो प्राप्त किया जाता है, मृक्षण अर्थ है, मृक्षण मतलब स्पर्श करना, प्राप्त करना, तो जो प्राप्त किया जाता है उसको भी व्यंजन कहते हैं। पहले वी और अंजन ऐसे उसका संधि विच्छेद किया, यहाँ क्या किया कि व्यंजन का अर्थ ही व्यज्यते मतलब प्राप्यते मृक्षते ऐसा अर्थ किया। तो एक में अर्थ क्या हो गया, अभिव्यक्ति का अभाव उसको कहा व्यंजन, और यह प्राप्त होना वह व्यंजन, ऐसे दोनों अर्थ हो गए उसके।
तो इसलिए ऐसा उसका ये मेल बिठाया है कि शब्दादि पदार्थ श्रोत्रेंद्र के द्वारा प्राप्त होने पर भी जब तक वे अभिव्यक्त नहीं होते हैं तब तक उसको व्यंजनावग्रह कहते हैं, और वही व्यक्त होने पर अर्थावग्रह होता है। लेकिन वो प्राप्त पदार्थ में ऐसे दो प्रकार होंगे, अव्यक्त और व्यक्त होना। अप्राप्त में जब भी होगा वो व्यक्त ही होगा। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, प्रकट होना, अभिव्यक्ति मतलब प्रकट होना। हाँ, व्यंजनावग्रह कहेंगे। अभी तो अस्पष्ट रूप से मतलब ऐसे सुनाई देता है, वो व्यंजनावग्रह, वो बहुत काल कम है उसका, अपन उसका भेद नहीं कर सकते हैं। तुरंत फिर वो स्पष्ट हो जाता है, मतलब व्यक्त हो जाता है, तो अर्थावग्रह होता है। मतलब चार इंद्रियों के द्वारा पहले व्यंजनावग्रह होकर फिर अर्थावग्रह होता है। लेकिन लेकिन वे इंद्रियां भी जब अप्राप्त को जानेंगे तो उसका डायरेक्ट अर्थावग्रह होगा। लेकिन प्राप्त पदार्थों को ग्रहण करेंगे तो उसमें जब तक व्यक्त नहीं है तब तक अव्यक्त, और जब व्यक्त हो जाए तो वहाँ पर अर्थावग्रह कहेंगे। तो चक्षु और मन अप्राप्त को ही जान, अप्राप्त को ही जानते, प्राप्त को नहीं जानते, इसलिए उसमें व्यंजनावग्रह ये नहीं होगा। इसलिए व्याख्या याद रखना हमेशा, इसके बारे में बहुत प्रश्न उत्पन्न होते हैं और स्पष्टता नहीं होती है, क्लियर नहीं होता है। हाँ, प्राप्त पदार्थ को जब तक हम अव्यक्त रूप से ग्रहण करते हैं, व्यक्त नहीं होता है, तब तक उसको व्यंजनावग्रह कहेंगे, और वह व्यक्त होने पर अर्थावग्रह होता है, और प्राप्त पदार्थ का व्यंजनावग्रह होता ही नहीं है। उल्टा हो गया है ना। प्राप्त पदार्थ का जब तक अभिव्यक्त नहीं होता है तब तक उसको व्यंजनावग्रह, और व्यक्त होने पर अर्थावग्रह हुआ, और अप्राप्त पदार्थ का अर्थावग्रह ही होता है, व्यंजनावग्रह नहीं होता है। यहाँ पर अर्थ पर्याय का क्या संबंध है? नहीं, वो अर्थ अलग हुआ, अर्थ मतलब यहाँ पर व्यक्त होना। जैसे उदाहरण दिया ना कि जो नया मिट्टी का बर्तन होता है तो उसमें पानी अपन 2-4-10 छिटके डालते हैं तो पानी सूख जाता है, वो व्यक्त दिखाई नहीं देता है, भले ही उसमें फिर भी वो व्यक्त नहीं होता है। और फिर वो पुराना होने पर यदि पानी डालते उसमें गीला होने के बाद तो वह व्यक्त दिखाई देता है। उसी प्रकार जब तक ये पदार्थ व्यक्त न हो, उसकी अभिव्यक्ति न हो, तब तक उसको व्यंजन कहते हैं, और अभिव्यक्त होने पर उसी को अर्थ कहते हैं। उस पदार्थ का विशेषण होगा व्यंजन और अर्थ, ऐसा व्यक्त न हो और व्यक्त हो ऐसा। हाँ, व्यक्त पदार्थ मतलब जब पदार्थ व्यक्त हो जाता है तो उसको, उसको ग्रहण करने वाला जो अवग्रह ज्ञान है उसको अर्थावग्रह कहेंगे। मतलब अव्यक्त पदार्थ को ग्रहण करने वाला वह अर्थाव व्यंजनावग्रह, ऐसे जब तक पदार्थ अव्यक्त है मतलब ज्ञान की अपेक्षा से कहेंगे उसको व्यक्त अव्यक्त। लेकिन वो पदार्थ का विशेषण किया कि ज्ञान में जब तक व्यक्त नहीं हो और ज्ञान में व्यक्त हो ऐसा ही लेंगे उसको। प्राप्त पदार्थ का जब तक व्यक्ति नहीं होती है तब प्राप्त लिखा लिया ना, छूकर जानता है वो प्राप्त पदार्थ, और बिना छुए दूर से जानता है वो अप्राप्त पदार्थ। तो ये चक्षु मन और मन जो है वह अपने विषय को प्राप्त होकर के ही जानते हैं, ऐसा न्यायिकाधिकों ने सिद्ध किया। न्यायिकाधिक जो ज्ञान का लक्षण बताते ना सन्निकर्ष, तो उनको आचार्य ने आपत्ति दी है कि चक्षु और मन तो प्राप्यकारी नहीं है, मतलब अप्राप्यकारी है, तो फिर उनका सन्निकर्ष नहीं होता है तो ज्ञान कैसे होगा। तो उन्होंने उसका सब खंडन अपने व्याकरण अपने न्यायशास्त्रों में उसका बहुत खंडन किया है। प्रमेय कल मार्तंड देखेंगे तो कितने कितने पन्नों तक उसका सब खंडन किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये अपना शास्त्र कौन सा है, करणानियोग का शास्त्र है, इसलिए आप विस्तार से उसका वर्णन नहीं किया है। अब व्यंजना, इसलिए व्यंजनावग्रह के कितने भेद होंगे? 4, और अर्थावग्रह के कितने होंगे? 6 भेद होंगे। व्यंजनावग्रह केवल स्पर्शनेन्द्रिय जनित, रसनेन्द्रिय जनित, घ्राणेन्द्रिय जनित और कर्णेन्द्रिय जनित होगा,
और अर्ताव ग्रह छह पांच इंद्र मन के द्वारा होंगे। अब यहाँ और एक एक की व्याख्या करते हैं अवग्रह या अवय धारणा की। गाथा नंबर 308 है। विषयाणं विषयीणं संजोगानंतरं हवे नियमा अवगहनानं गहिदे विशेषकंखा हवे इहा। विषयाणं विषयीणं संजोग अनंतरं नियमा अवगहनानं हवे। अवग्रह ज्ञान कब होता है? विषय और विषयी, विषयी किसको कहना? ज्ञान, स्पर्शेन्द्रिय जनित ज्ञान है वो विषयी हो गया, और उनके पांच इंद्रियों के विषय मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द, तो विषय और विषय इन दोनों का संयोग हो गया। इंद्रियों के द्वारा हमने रूप को देखा, जैसे यहाँ पर सफ़ेद है ऐसा देखा, तो उसका संयोग हुआ कि उसके बाद जो नियम से अवग्रह ज्ञान उत्पन्न होता है कि यह सफ़ेद है ऐसा ज्ञान हुआ, या यह शब्द है ऐसा ज्ञान हुआ, या यह गंध है ऐसा ज्ञान हुआ, सुगंध है दुर्गंध है ऐसा ज्ञान हुआ। वो कब होगा? कि घ्राणेन्द्रिय और उस गंध का दोनों का संयोग हुआ कि तुरंत वहाँ पर अवग्रह ज्ञान उत्पन्न होता है। तो पांच इंद्र मन के दो छेव लगा ना, और गहिदे विशेष कंखा ईहा हवे। अवग्रह ज्ञान होने पर ग्रहण किए हुए पदार्थ में विशेष आकांक्षा, विशेष जानने की इच्छा, जिज्ञासा, उसको ईहा कहते हैं। मतलब ईहा ज्ञान का ऐसा उदाहरण दिया जाता है ना कि ये बक है, बगले की पंक्ति है या पताका है, या यह दाक्षिणात्य है या उत्तरीय है, तो ऐसा लगता है कि संशय ज्ञान हुआ, इसको सम्यक ज्ञान कैसे कहेंगे? ये चारों ज्ञान तो सम्यक ज्ञान के भेद बताए हैं, तो यह मतलब संशय ज्ञान नहीं लेना। वो यह ज्ञान की उत्पत्ति में संशय हुआ है वहाँ पर, लेकिन यह ज्ञान तो विशेष जानने की इच्छा है वहाँ पर, और वह सम्यक की तरफ झुका हुआ है। तो ये पताका होनी चाहिए, पताकया भवितव्यम, ऐसा ज्ञान होता है, या दाक्षिणात्येन भवितव्यम, यह दाक्षिणात्य होना चाहिए, इस प्रकार सम्यक की तरफ ही, उसका निर्णय की तरफ ही झुका हुआ होता है। इसलिए विशेष जानने की इच्छा जो हुई है वह इहा ज्ञान है। अवग्रह में क्या हुआ कि वहाँ पर यह सफ़ेद है, यह अमुक शब्द है, यह सुगंध है, यह मीठा है, ऐसा ज्ञान हुआ। फिर उसके बाद तुरंत इच्छा क्या हुई? ये मीठा पदार्थ क्या है, कौन सा है? ये अमुक, जैसे अंधा व्यक्ति है समझो, वो मीठा पदार्थ खाता है तो उसको इच्छा उत्पन्न होती है ना, उसने आँख से देखा नहीं है, तो ये क्या है? ये पेड़ा है या गुलाब जामुन है, क्या है? ये गुलाब जामुन ही होना चाहिए, ऐसा उसको ज्ञान होता है, तो वह विशेष जानने की उसको इच्छा हुई। या जो हमेशा कहते कि सफ़ेद देखते हैं दूर से खेत में, वो कुछ लगा हुआ है तो उसको देखा, तो पहले ज्ञान क्या हुआ कि यह सफ़ेद है, फिर उसको विशेष जानने की इच्छा हुई है सफ़ेद क्या है, बगले की पंक्ति है, बक क्या बोलते हैं, बगला ही बोलते ना, बगुला, बगुला की पंक्ति है या पताका है। सही में हम यहाँ पर गए थे ना खेत में, तब हमने जाते वक्त वहाँ पर ये मतलब ये उदाहरण जो है आचार्य ने भी सब अनुभव से दिए हुए हैं कि वहाँ पर ऐसी पताकाएँ लगी थी क्यों, कोई पक्षी आकर के धान्य न खाए, ऐसा लावलेले होते तिथ या खेत में, हम जाते वक्त देखा तो ऐसा ही हमें भी संशय हुआ वहाँ पर, ये सफ़ेद सफ़ेद क्या दिखाई दे रहा है, ये सब हमको पहले लगा था कि वहाँ पर वो बैठे हैं सब बगुले बैठे हैं, लेकिन थोड़ा सा पास में जाने के बाद देखा तो वहाँ पर बगुले नहीं है, फिर वो लक्षण दिखाई दिया कि वो तो ऐसा हिल रहा है, वो पंख नहीं है उसको, तो पताका है, ऐसा निर्णय किया, पताका होना चाहिए ऐसा। तो यहाँ पर अवग्रह ज्ञान होने पर ग्रहण किए हुए पदार्थ में विशेष आकांक्षा होना वह यहाँ है। मानस अवग्रह भी है ना, मन के द्वारा किसी पदार्थ को ग्रहण किया और उसको जानने की इच्छा हुई, सभी ने अपने को क्या है, सौधनी पंचेंद्र जीव में जो भी ज्ञान होता है उसमें मन सहायभूत है, इसलिए सब लगता है कि अपने को मन से ही होता है, ऐसा वो सौधनी पंचेंद्र जीव में ही है,
अन्य जीवों में तो मन नहीं है, फिर भी वह श्रुत ज्ञान होता है, तो यह मन केवल निमित्त है। हुआ तो उसने इंद्रियों के द्वारा वहाँ पर ज्ञान हुआ, हर इंद्रिय ज्ञान के साथ वह मन लगा हुआ है साय रूप से। वही बोल रहे हैं ना, वहाँ पर सब इंद्रिय ज्ञानों में मन जो है वह निमित्त है केवल। वहाँ पर वो चीटी आदि का भी उदाहरण देते हैं ना, वहाँ चीटी आदि भी जो है वो शक्कर का मतलब सुगंधी ये करके उधर जाती है, तो उसको भी वो सब अवग्रह अवाहित ज्ञान वगैरह होते हैं उसको, और बिना मन के भी होता है। बराबर है। तो इस प्रकार अवग्रह और इहा का स्वरूप बताया। अब आगे 309 नंबर की गाथा में अवाय और धारणा बताते। इह न करणे न जदा सुनिन्न वो हो दिशो अवाओ दू कालंतरे विनिन्निद वत्तु सुमरणस्य कारणं तुरियम्। इहन करणेन जदा सुनिन्नवो होदि सो अवावो, यहा करने के द्वारा जब सुनिर्णय होता है मतलब यथार्थ निर्णय होता है, ये सब सम्यक ज्ञान के भेद बता रहे हैं, तो यथार्थ निर्णय होता है वह अवाय है। उसमें मिथ्या ज्ञान में भी अवग्रह अवाय धारणा है, लेकिन वह सब मिथ्या रूप लेंगे, विपरीत ज्ञान है इस अपेक्षा से। तो यहाँ किया करने के बाद क्या होता है, उसको निर्णय की ये करते परीक्षा करते ना कि इसमें कौन सा लक्षण है, तो लक्षण के द्वारा उसका निर्णय करते हैं कि हाँ मतलब बगुला है या पताका, ऐसा या पताका बगुला होना ही चाहिए या पताका होना चाहिए, ऐसा यदि ज्ञान हुआ था तो फिर वहाँ पर आगे लक्षण जान लेते हैं कि ये उड़ रहा है, नीचे निक्षेपण कर रहा है, पंख फड़फड़ा रहा है, तो ये बगुला है, और ये पंख अधिक नहीं है, उड़ना हो नहीं हो रहा है, तो यह क्या है, पताका है। मतलब जो होगा वहाँ पर उसकी तरफ जानने की तरफ वह सन्मुख होता है। तो यही तो मतलब इच्छित पदार्थ के अर्थ का निर्णय होना, वो कैसे किसके माध्यम से निर्णय होगा, लक्षण आदि के माध्यम से, चिन्हों से, तो वह निर्णय होने के बाद उसको अवाय ज्ञान कहते हैं। और कालांतरे भी निन्निद वत्तु सुमरणस्य कारणम्, कालांतर में भी जिसका निर्णय किया है उस वस्तु का स्मरण होने में कारणभूत जो ज्ञान है वह चौथा धारणा ज्ञान है। मतलब जब अवग्रह हुआ उसके बाद क्रम से हो रहे हैं ज्ञान, अवग्रह के बाद इहा होती है और इहा के बाद अवाय होता है और अवाय के बाद धारणा होती है, तो धारणा ज्ञान जब हुआ तब ही मतलब अवाय के बाद तुरंत धारणा ज्ञान पैदा होता है, हो ही ऐसा नियम नहीं, लेकिन जिसको किसके होगा तो इसी क्रम से होगा। अवग्रह होकर के भी छूट सकता है, अवग्रह यहाँ होकर के भी ज्ञान छूट सकता है, अवग्रह यहाँ अवाय होकर के भी छूट सकता है, धारणा नहीं बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो हम शास्त्र में अवग्रह करके छोड़ देते हैं क्योंकि उस जानने की इच्छा नहीं होती, विशेष विशेष जो बताए जा रहे उसको सुनो खाली, तो अवग्रह कर लेते हैं खाली, तो फिर कल क्या बताया पता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम यहाँ अवाय धारणा नहीं बनाते हैं, धारणा बनानी चाहिए जो भी हम जब ग्रहण करते, इसलिए देशना लब्धि में कहा ना, लब्धि सार में आया था कि धारणा होना वो देशना लब्धि है, मतलब जो आचार्य और उपाध्याय के द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ और उपदेश प्राप्त करके जिसको ग्रहण करके धारणा की वह देशना लब्धि, और वो धारणा काम आएगी नरकादिक में भी, और धारणा नहीं बनाएंगे तो भूल जाएंगे वहाँ। तो इसलिए कहा कि निर्णित वस्तु का स्मरण होने में कारणभूत ये धारणा ज्ञान है। आज ही हम पढ़ते समय इतना पक्का ग्रहण करते हैं कि कल भी हमें स्मरण हो जाता है, और पक्का ग्रहण नहीं करते, धारणा नहीं बनाते, तो स्मृति की उत्पत्ति नहीं होगी, स्मरण नहीं होगा। जैसे व्यवहार में जो भी हम जानते हो कैसा जानते, धारणा रूप जानते हैं, और यहाँ पर शास्त्र में केवल एक रूढ़ी समझ करके पढ़ते हैं, तो वहाँ धारणा नहीं बनाते हैं, तो स्मरण नहीं होता है। तो महाराज जी का प्रवचन कैसा हुआ, बहुत अच्छा बढ़िया हुआ, क्या क्या बताया उसमें से एक वाक्य भी नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमने धारणा नहीं बताई, केवल कर्णेन्द्रियों को संतोष दिया, मनोरंजन किया केवल। इसलिए कहते कि धारणा ज्ञान उसी को कहते कि जो निर्णित पदार्थ का स्मरण करने में कारण है।
अब ये चारों प्रकार के ज्ञान बताए। यहाँ आगे अब उसके जो विषय हैं पदार्थ, उसकी अपेक्षा से भेद बताते हैं। 310 नंबर गाता है, भुविहं च खिप्पा निस्सिदनुत्तम ध्रुवं च इदरं च तथे के जादे क्षति संतिशय भेदं तु। बहु बहुविह क्षिप्र अनिसृत अनुक्त ध्रुव, ये छह बताए, और इदरम से उसके विपरीत लेना है। बहु के विपरीत एक, बहुविध के विपरीत एक विध, क्षिप्र के विरुद्ध अक्षिप्र, अनिसृत के विरुद्ध निसृत, अनुक्त के विरुद्ध उक्त, और ध्रुव के विरुद्ध अध्रुव। इस प्रकार 12 प्रकार के पदार्थ बताए हैं। तो बहु का अर्थ क्या लेना, व्यक्ति की अपेक्षा से, और विध जाति की अपेक्षा से लेना। नहीं, व्यक्ति कितने हैं, कितने गाय है, बहुत सारी गाय थी वहाँ पर, तो 100 गाय थी, 200 गाय थी, या मतलब बहुत ज़्यादा थी, तो उसको हमने ग्रहण किया, तो वो कौन सा अवग्रह कहलाएगा, बहु का हो गया। और बहुविह, वहाँ पर भैंसे भी थे, गाय भी थे, घोड़ा था, ऊंट था, हाथी था, वहाँ इतने प्रकार के जानवर थे, तो उन जातियों को एक साथ ग्रहण किया, तो वह बहुविध अवग्रह हुआ। और उसके उल्टा भी लेना, बहु के उलट क्या लेना, एक, मतलब एक ही व्यक्ति को, या अल्प भी लेते हैं, बहुत और अल्प, जैसे गेहूं है बहुत सारे हैं और थोड़े हैं कटोरे में, तो अल्प भी कहते हैं, लेकिन एक भी कहते हैं, जैसे बहुत गाय थी और एक गाय थी, तो एक गाय को ही ग्रहण किया, वह एक ज्ञान हुआ। और एक विध, उसमें जाति केवल गाय ही थी, जाति को हमने ग्रहण किया, एक प्रकार की जाति को, तो वह एक विध ज्ञान हुआ। बहु और एक में क्या है, व्यक्ति की अपेक्षा से, संख्या की अपेक्षा से है, और विध जो लगाए वो जाति की अपेक्षा, अनेक प्रकार की जाति और एक प्रकार की जाति। अब एक प्रकार की जाति में अनेक भी व्यक्ति आ सकती है, मतलब जैसे 10 गाय है, तो वो हमने 10 गायों को ग्रहण किया, लेकिन गाय जाति एक ही ग्रहण की, तो वो एक विध हो गया वह। हाँ, एक प्रकार के हो। अब गाय गाय में भी आपने जाति भेद किया, तो वो भी जाति में आ सकता है। नहीं, आप गायों में अनेक विविध जातियां करके जान रहे हैं, तो वो भी जाति में आ सकता है, लेकिन आपको गाय एक ही जाति विवक्षित हो, तो वहां पर एक विध ही होगा। और क्षिप्र और अक्षिप्र, उसके विरुद्ध विरुद्ध। क्षिप्र मतलब जल्दी जलने वाला पदार्थ, क्षिप्र पदार्थ को ग्रहण किया, और अक्षिप्र माने धीरे धीरे जो पदार्थ चल रहा है उसको ग्रहण किया। ऐसे दोनों, यहाँ पर क्षिप्र और उसका अर्थ, ध्रुव का अर्थ पदार्थ की तरफ भी लगाया जाता है, ज्ञान की तरफ भी विशेषण लगाया जाता है, मतलब जल्दी जल्दी ग्रहण करना, उसको भी क्षिप्र अवग्रह किया है। लेकिन यहाँ पदार्थ के भी विशेषण दिए हैं, तो उसको पदार्थ का विशेषण करना चाहिए कि क्षिप्र गमन करने वाले पदार्थों को ग्रहण करना, जैसे विमान है तुरंत गई तो क्षिप्र गतिशील रहेंगे, घोड़ा है बहुत दौड़ रहा है वो शीघ्र गए ना, ऐसा बिजली है ऐसे जल्दी जल्दी आकर के चली जाती है, तो उसको क्षिप्र ग्रहण कहेंगे। और अक्षिप्र ग्रहण मतलब जो धीरे धीरे हाथी जा रहा है धीरे धीरे धीरे, उसको हमने ग्रहण किया, तो वह अक्षिप्र ग्रहण हुआ। पदार्थ का विशेषण करेंगे तो ऐसा, और ज्ञान का विशेषण करेंगे तो जल्दी ग्रहण करना और धीरे धीरे ग्रहण करना देर से, वह अक्षिप्र ग्रहण है। फिर अनिसिद्ध अनिसृत मतलब कुछ सब ढका हुआ है और कुछ एक अंश उसका व्यक्त है, उससे पूरे वस्तु को ग्रहण किया। अब यह अनिसृत के लिए अलग से दो गाथाएं देने वाले हैं आचार्य उदाहरण सहित, तो वहाँ पर उसका अपन और खुलासा देखेंगे। अनिसृत का यह अर्थ मतलब एक देश से पूरे वस्तु को ही, मतलब उस देश को ग्रहण करते समय पूरे वस्तु को ही ग्रहण कर दिया। हाथी का स्वर्ण दिखाई दे रहा है तो हाथी है, ऐसा ग्रहण किया। मतलब कैसे, ऐसे कोई प्रश्न कर सकते हैं कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का ज्ञान होता है तो वो श्रुत ज्ञान है, तो वो नहीं लेना कि जब सोंड को आपने ग्रहण किया तब हत्ती का ही ग्रहण हो गया, तो अनिसृत है, मतलब ढका हुआ होने पर भी आपको ज्ञान हुआ। तो ये सब जो दिए हैं ना यहाँ पर विशेषण,
मी विशिष्ट क्षोपशमच येईस केली आहे. बहु बहुविध क्षिप्र आणि सुरत अणुक्तर ध्रुव को जानने के लिए विशेष शोभशम चाहिए और इसके इसलिए इनके नाम लेकर के बताया. और ऐसा बता सकते थे ना, एक एक विध अक्षिप्र निश्रुत उक्त ध्रुव ऐसा, लेकिन उसका नाम न लेकर के इनका नाम लिया और इतरम से इतर बताया. तो उनको जानने के लिए ज़्यादा क्षोपशम की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक को जानने में और एक बहुत सारे को जानने में, तो बहुत सारे को जानने में ज़्यादा क्षोभशम चाहिए और एक को जानने में इतना क्षोभशम नहीं चाहिए. क्षोभशम तो सभी के लिए चाहिए, लेकिन एक विशिष्ट क्षोभशम का वामति ज्ञानावरण का विशेष क्षोभशम हुआ. क्षिप्र को ग्रहण करने में ज़्यादा क्षोभशम लगता है, अक्षिप्र को ग्रहण करने में कम क्षोभशम है, आणि श्रुत को ग्रहण करने में उपशम विशिष्ट चाहिए. और निश्रुत मतलब जो बाहरी निकला हुआ हाथी है उसको हमने ग्रहण किया, हाँ तो कम क्षोभशम चाहिए उसके लिए. अनुक्त अभी मौन है, किसको समझ में नहीं आता है मौन भाषा, घर में कितनी तकलीफ होती है. हम मौन से बता रहे हैं लेकिन कुछ समझ में, उसके लिए क्षोभशम चाहिए ना, वह इस प्रकार का आपको अभिप्राय समझ में आना चाहिए खाली अपने इससे हाथ आदि के इशारे से. तो अनुक्त उसको मतलब बिना बताए लेकिन अभिप्राय से हम जान लेते हैं, तो उसको अनुक्त कहा. और ध्रुव मतलब ध्रुव रहने वाला पदार्थ, ज़्यादा काल स्थिर रहने वाले पदार्थ को जानना, वह ध्रुव अवग्रह है. तो इधरम च और इससे उल्टा भी लिया, अनिश्रुत निश्रुत लिया था, अनुक्त मतलब बताने पर ग्रहण करना वह उक्त ग्रहण, और अध्रुव वस्तु का ग्रहण करना बिजली इत्यादि है. ध्रुव म्हणजे आत्मा आणि अध्रुव म्हणजे पर्याय, चालते की घेतलं तर. ध्रुव द्रव्य को जाना और अध्रुव पर्याय को जाना ऐसे. तो इस प्रकार ये 12 प्रकार के पदार्थ, 6 प्रकार के मतलब 5 इंद्र मन के द्वारा इनका अवग्रह ईहा अवय और धारणा होती है. इसलिए उसके कितने भेद होते हैं, तत्त एक एक के ज्यादे, एक एक इंद्रियादिक में 12 प्रकार के पदार्थों का ज्ञान होता है तो 336 भेद होते हैं. कैसे हो गए 336 भेद, यह आगे भी उन्होंने सिद्ध किया है. हाँ, तो यहाँ 5 इंद्रिय और मन, इनको अपन ने 4 अवग्रह या अवय धारणा से गुना किया था तो कितने हुए थे, 24. और उसमें व्यंजन अवग्रह के भी 4 हुए, व्यंजनावग्रह के केवल 4 इंद्रियों के द्वारा एक व्यंजन अवग्रह हुआ तो 24 और 4 कितने हुए, 28. और 28 कितने प्रकार के पदार्थ का होता है, 12 प्रकार के पदार्थ. मतलब ऐसे सब एक एक भेद करना, बहु स्पर्शनेन्द्रिय जनित व्यंजनावग्रह, बहु स्पर्शनेन्द्रिय जनित अर्थावग्रह, ऐसे भेद हो जाएंगे उसके व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह 4 इंद्रियों के द्वारा. फिर बहुविध मतलब 12 प्रकार के पदार्थों के सब स्पर्शन लेकर के उसके 12 भेद करेंगे, या इधर से इंद्रियों को भी बदल करके कर सकते, जैसे प्रमाद में करते ना, एक बार एक बदलना और एक बार दूसरा बदलना इसे. तो एक इंद्रियों को लेकर के फिर ये 12 भेद करेंगे और उसमें व्यंजनावग्रह के 12 और अर्थावग्रह के 12 हो जाएंगे. ध्रुव का है ना, पर्वत आदि जो है स्थाई है ना, वहाँ पर ध्रुव है तो उसका ज्ञान होना, और बिजली आदि जो है अध्रुव है उसका ज्ञान होना अध्रुव. और ऐसे इसको है ना अपन विचार करके सभी इंद्रियों के माध्यम से भी लगाना चाहिए, श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा. जैसे बहु शब्द है, एक साथ वो अपन संगीत सुनते हैं ना, पेटी भी बज रही है, ये भी तबला भी बज रहा है, अनेक शब्द एक साथ है तो उन सबको ग्रहण किया एक साथ तो बहु अवग्रह हुआ. अनेक प्रकार उसमें भी शब्द में भी जातियाँ होती है, तत वितत सुशीर घन वगैरह, उन जातियों को अलग अलग ग्रहण किया तो बहु विध हो गया. एक शब्द को ग्रहण किया, एक शब्द का अवग्रह हुआ, एक प्रकार के शब्द को ग्रहण किया तो एक विध अवग्रह हुआ. वही मतलब जब केवल आपने पेटी का ही शब्द सुना या अभी मेरा शब्द सुन रहे, वो एक प्रकार का ही है ना, तो एक प्रकार के शब्द को ही आपने ग्रहण किया ऐसे. फिर क्षिप्र जल्दी जल्दी मैंने बोला और उसको आपने ग्रहण किया, जल्दी जल्दी शब्दों का उच्चारण किया.
और धीरे धीरे शब्दों का उच्चारण कर रही हूँ मैं, फिर आपने धीरे धीरे उच्चारित पद शब्द को ग्रहण किया। अनिश्रुत, अभी मैंने पूरा नहीं बोला ता ऐसा बोला या ऐसा बोला, तो आपने आत्मा ग्रहण कर लिया, ये अनुश्रुत ग्रहण हो गया। और आत्मा शब्द बोलने के बाद आपने आत्मा ग्रहण किया तो निश्रुत हो गया। और ऐसे अनुक्त, मतलब मैंने कुछ बोला ही नहीं, मौन ही रही, और फिर आपने अभिप्राय से जान लिया कि दीदी को ये कहना है, तो अनुक्त ग्रहण हुआ। लेकिन आपको समझ में नहीं आया, फिर मैंने बोला, फिर आपको समझ में आया, तो उक्त ज्ञान हो गया। ध्रुव शब्द जो है ज़्यादा कल टिकने वाला शब्द, उसको ग्रहण किया। जैसे जो शब्द है वो अनेक समयों तक भी स्थिर रहता है ना, जैसे उसको ले सकते हो ऐसा, लेकिन ध्रुव लेना है वहाँ, उसको टेप रिकॉर्ड में भी आप भरते तो ध्रुव ही उड़ा ना शब्द, वो शब्द कहाँ गायब हुआ, अभी आपकी टेप रिकॉर्ड में बद्ध है कि वह गए। वो हाँ ऐसे ध्रुव और अध्रुव, मतलब जो नष्ट होने वाला शब्द है उसको ग्रहण किया, मतलब वो उच्चारण किया तुरंत नष्ट हो गया ध्रुव। ऐसे ऐसे सभी को, मतलब पांचों इंद्रिय और मन के द्वारा इसको लगाना चाहिए। तो ये 336 भेद बताए, मतलब 28 प्रकार का अपन ये किया था, पांच इंद्रिय मन के द्वारा अवग्रही अवैध धारणा, ये 12 प्रकार के पदार्थों को गुना करेंगे, 28 को 12 से गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 336 हो जाएंगे। या इधर से भी कर सकते हैं, 12 प्रकार के पदार्थ उनका पांच इंद्रिय मन के द्वारा गुना किया तो कितना हो गया, 72 हो गया। और 72 प्रकार का क्या हो जाएगा, अवग्रह इहा अवय धारणा, और व्यंजनावग्रह फिर अलग से 48 हो जाएंगे, 48। तो इस प्रकार 288 करके उसमें 48 जोड़ दो, मतलब 72 को 4 से गुना करो और फिर 48 उसमें जोड़ना, ऐसा भी कर सकते हैं। अभी आगे अनिश्रुत का और खुलासा करते हैं ना, अभी इसी का खुलासा थोड़ा करके फिर अनुश्रुत का ग्रहण करते हैं। 311 नंबर का आता है, बहुवत्ति जादि गहने बहु बहु विह मियर मियर गहणम मी सगनामादो सिद्धा किपादि सेदरायतः। बहु व्यक्ति और जाति के ग्रहण करने में बहु बहु विहम, मतलब बहुत के ग्रहण कर, व्यक्तियों को ग्रहण करने में बहु ज्ञान है, और बहु जातियों के ग्रहण करने में बहुविध ज्ञान है। और इयर इयर गहणम मी, मतलब बहु के उलट एक और बहुविध के उलट एक विध है, तो एक व्यक्ति के ग्रहण करने में एक अवग्रह ज्ञान है, अनेक व्यक्तियों के ग्रहण करने में इतर ग्रह, मतलब बहु एक विध उल्टा हो गया ना, एक व्यक्ति को ग्रहण करने में एक ज्ञान और एक जाति को ग्रहण करने में एक विध ज्ञान है। और सग नाम आदो सिद्धा, बाकी के सब बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने नाम से वे सिद्ध है। क्षिप्र का अर्थ समझ में आता है जल्दी जल्दी, अक्षिप्र मतलब देर से, क्षिप्र अनिश्रुत ये सब अपने अपने नाम से ही जाना जाता है, इसलिए उसको अलग से नहीं बताया है। जो सिद्ध है उसको क्या बताना, जो असिद्ध है उसको ही बताया जाता है, वे अपने नाम से ही सिद्ध है। लेकिन अनिश्रुत के बारे में आचार्य आगे खुलासा कर रहे हैं। 312 नंबर और 13 नंबर एक लेते हैं फिर दोपहर मिलेंगे। वत्तुस्स पदे साधो वत्तु गणम तु वत्तु देशं वा सयलं वा अवलंबिय अनिश्चितं वण्णवत्तु गई। वत्तुस्स पदे साधो वत्तु गणम वत्तु देशं वा सयलं वा अवलंबिय अन्नवत्तु गई अनिश्चितं। अनिश्रुत के तीन अर्थ किए हैं यहाँ पर, वस्तु के प्रदेश से मतलब एक भाग से पूरी वस्तु को ग्रहण करना, जैसे अभी उदाहरण दिया था हाथी को की सोंड देख करके पूरे हाथी को ग्रहण किया, या भैंसे के सिंग जो है उसको देख करके ये भैंसा है ऐसा इस प्रकार ग्रहण करते हैं। तो जैसे पानी में डूबी हुई है उसकी केवल सिंग दिख रही है तो उससे हम जानते हैं कि यहाँ पर भैंसा है ऐसा।
या दूसरा अर्थ किया वत्थु देशम अवलंबीय अन्न वत्थु गई अनिश्चितम, वस्तु के देश को मतलब एक भाग को अवलंबन करके अन्य वस्तु में गया हुआ ज्ञान वह भी अनिश्रुत है। मतलब जैसे वहाँ उदाहरण दिया है, अगली गाथा में उदाहरण दिया है, और सैलम व अवलंब्य पूरी वस्तु का अवलंबन करके अन्य वस्तु में गया हुआ ज्ञान वह अनिश्रुत मति ज्ञान है। ये अपने को श्रुत ज्ञान जैसा लगता है, क्योंकि श्रुत ज्ञान की व्याख्या की जाती है ना, मति ज्ञान के द्वारा ग्रहण किए हुए पदार्थ से अन्य पदार्थों को जानना, लेकिन यहाँ ये न भेद करके मति ज्ञान ये सामान्य ज्ञान है, वहाँ पर पहले हुआ ज्ञान है उसका। मतलब जो अभी आगे उदाहरण भी दिया है, मतलब प्रत्यभी ज्ञान स्मृति, प्रत्यभी ज्ञान तर्क अनुमान, ये ज्ञान मति ज्ञान रूप भी है और श्रुत ज्ञान रूप भी है। जब पहले अवस्था में उसको अपन ने जाना है तो वो मति ज्ञान है, फिर उससे और विशेष जानते हैं वो श्रुत ज्ञान होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने धुएं को देख करके अग्नि को ग्रहण किया तो वो पहले मति ज्ञान होता है, तो वो मति ज्ञान रूप अनुमान ज्ञान होगा। या प्रतिभी ज्ञान, या जो बताए उदाहरण दिया ना, वो प्रतिभी ज्ञान रूप है कि वस्तु के एक देश को ग्रहण करके पूरी वस्तु का ज्ञान हुआ, दूसरी पूरी वस्तु का ज्ञान हुआ। जैसे अगले गाथा भी पढ़ते हैं तो उसके साथ में दोनों का अर्थ एक साथ करेंगे। 303 पुक्कर गहने काले हतिशय वदन गवय गहने वा वतंतर चंदस्य धेनुस्य बोहणंच हवे। पुक्कर गहने काले, पुष्कर मतलब हाथी की सोंड का अग्रभाग, उसको कहते पुष्कर। सोंड के अग्रभाग को ग्रहण करने के काल में ही पूरे हाथी का ग्रहण हुआ, वो पहला अनुसृत ज्ञान कहा। दूसरा जो उदाहरण दिया था कि वस्तु के एक देश का अवलंबन करके दूसरी वस्तु में गया हुआ ज्ञान, तो जैसे स्त्री का मुख देखा तो उसको चंद्रमा की याद आ गई। ये स्त्री का मुख कैसा है, चंद्रमा जैसा है, तो वहाँ सादृश्य प्रतिबिंब ज्ञान हुआ ना उसको, तो वह भी क्या है, मति ज्ञान है, अनिश्रुत मति ज्ञान है। या कोई भी अपन एक चीज देखते तो दूसरी किसी वस्तु की याद आ जाती है, तो वहाँ पर भी ये अनुश्रुत ज्ञान ले सकते हैं, प्रकट हुए बिना। चंद्रमा भी प्रकट नहीं है, अनिश्रुत मतलब ढका हुआ है, लेकिन उस स्त्री के मुख को ग्रहण करते ही उसका स्मरण हुआ, तो वह अनिश्रुत मति ज्ञान है। वत्तंतर चंदस्य धेनुस्य बोहणम, या एक वस्तु के पूरे वस्तु को ग्रहण करके दूसरी वस्तु को ग्रहण करना, जैसे जंगल में गए और उस वहाँ पर गवय को देख करके याद आया क्या, ये गवय गाय जैसा ही है, तो उस गवय को ग्रहण करते समय गाय का ही ग्रहण हुआ, तो यह भी क्या हुआ, सादृश्य प्रतिभी ज्ञान है, यह भी अनिश्रुत मति ज्ञान है। वो दूसरा कह रहे हैं वत्तंतर चंदस्य, वदन गवय गहने, वदन का ग्रहण करने में दूसरे वस्तु मतलब चंद्र का ज्ञान हुआ, और गवय का ग्रहण करने में गाय का ज्ञान हुआ, यह अनिश्रुत मति ज्ञान के उदाहरण बताएं। मतलब तीन प्रकार से बताएं, वस्तु के एक देश को देख करके पूरे वस्तु का ज्ञान होना, या वस्तु के एक देश का अवलंबन करके दूसरी वस्तु का ज्ञान होना, या पूरी वस्तु को ग्रहण करके दूसरी वस्तु का ज्ञान होना। हाँ, इस प्रकार अनिश्रुत के तीन अर्थ बता करके उसके दृष्टांत भी यहाँ दिए हैं, और ये भी वहाँ एक खुलासा किया है कि अनुमान, स्मृति, प्रत्यभी ज्ञान और तर्क नाम के चार मति ज्ञान है। अपने को क्या लगता है कि सब स्मृति, प्रत्यभी ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, और अवग्रही आवाय धारणा ये मति ज्ञान है, तो अवग्रही आवाय धारणा तो मति ज्ञान है ही, और ये स्मृति, प्रत्यभी ज्ञान, तर्क, अनुमान, इनको भी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों में लेते हैं। तो ये अनिश्रुतार्थ विषय केवल परोक्ष एक दूसरे रूप से वैषद्य होने से उसको परोक्ष कहा है, और स्पर्शन आदि इंद्रिय से उत्पन्न होने वाले बहुवादि अर्थों को विषय करने वाले मति ज्ञान सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। दो प्रकार के बताए ना, एक सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष मति ज्ञान और परोक्ष मति ज्ञान। तो स्मृति, प्रत्यभी ज्ञान, तर्क, अनुमान ये परोक्ष मति ज्ञान है न्याय की भाषा में, और ये इंद्रिय और मन के द्वारा अवग्रही अवय धारणा रूप जो ज्ञान हुआ है वह सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष रूप विशद अंशता विशद है ना वह, इसलिए उसको सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं।
हाँ, अभी अपन दोपहर में देखेंगे अगला। यहाँ पर मति ज्ञान का वर्णन पूरा हुआ है, नहीं अभी एक आता है 314 नंबर के दोपहर में, दोपहर इस घर ओ जानिए। यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव नामक पदार्थ हूँ। अपने ज्ञान साधन के द्वारा अपने वस्तु को जानिए। साधन भी अपने पास है, विषय भी अपने पास ही है। देर करने की आवश्यकता नहीं है। निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद स्वरूप आत्मा को ग्रहण करने के लिए स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप साधन है, उस साधन का सदुपयोग कीजिए अपने को जानने में। ज्ञान के द्वारा ज्ञानधारी को जानिए। ज्ञान गुण से परिपूर्ण इससे अपने आत्मा को जानिए। यह मैं ज्ञानमय पदार्थ हूँ। ये बाहर दिखाई देने वाला शरीर पदार्थ मैं नहीं हूँ। अनेक पुद्गल परमाणुओं के पिंड से बना हुआ यह अचेतन जड़ शरीर मेरा नहीं है। मैं शरीर के भीतर रहने वाला शरीर से स्वतंत्र एक ज्ञानमय पदार्थ हूँ। सहज ज्ञानमय हूँ। यह मैं एक क्षावक्षमिक ज्ञानमय नहीं हूँ। क्षावक्षमिक मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से भी मैं भिन्न हूँ। एक अखंड ज्ञानमय पर निरपेक्ष ज्ञानमय सहज ज्ञानमय ऐसा यह मैं ध्रुव आत्मा हूँ। देखिए अपने को। जैसे शक्कर को मिठासमय जानते हैं, अग्नि को उष्णमय जानते हैं, शरीर को काला गोरा रूप से जान रहे हैं, इसी प्रकार अपने को ज्ञानमय जानिए। इस जीव की बिल्डिंग ज्ञान रूपी साहित्य से बनी हुई है। ज्ञान दर्शन सुख वीर इत्यादि अनंत गुणों से यह मैं भरा हुआ हूँ। अनंत गुणों का अखंड पिंड हूँ। अपने अस्तित्व को ग्रहण कीजिए। मेरा अस्तित्व मुझ रूप ही है, शरीर रूप नहीं है। चैतन्य ही मेरा अस्तित्व है। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व स्वरूप परद्रव्य परभाव विभक्त स्वरूप एकोहम ध्रुवोहम शुद्धोहम। ओम विसर्जन। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं। अथ पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रम पूर्वाचार क्रम सकल क्रम शातम बापूजा वंदनस्तव संतुष्ट भक्ति कालचरण।